स्टूडेंट्स, सो इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस चैप्टर नंबर 7, डिसीज एंड हाइजीन. आफ्टर कंप्लीटिंग दिस चैप्टर स्टूडेंट्स, यू कम टू नो अबाउट टाइप्स ऑफ डिसीज, कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेबल डिसीज, मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ डिसीज, हाउ टू प्रिवेंट कम्युनिकेबल डिसीज, ओके, एंड हाइजीन. सो स्टूडेंट्स, वॉट इज हेल्थ? वॉट इज हेल्थ? Normally, a person is said to be healthy if he or she is not suffering from any disease. Normally, क्या होगा बेटा, हम किस person को healthy बोलेंगे? जो fit होगा, fine होगा, जिसको कोई भी बीमारी नहीं होगी, है ना? When a person can work hard, interact well with the people, enjoy leisure and can adapt the changes and stresses of life. अच्छा बच्चा, अगर आप हेल्दी हैं तो आप क्या कर पाएंगे? अच्छी तरह से काम कर पाएंगे, लोगों के साथ खुशी से बातचीत करेंगे, एंजॉय करेंगे, आपका जो फ्री टाइम होगा उसमें आप मस्ती करेंगे, आप जितने भी चेंजेस आपके आसपास हो रहे हैं उन सबको एडॉप्ट कर लेंगे बिना किसी स्ट्रेस के, ठीक है? देन ही और शी इज़ इन गुड हेल्थ. तभी हम आपको बोलेंगे कि आप गुड हेल्थ में हैं, ठीक है? एट ईज इन लाइफ, आपके जीवन में सब कुछ आराम से चल रहा है. So students, if question will be there, what is health? What will you write? Health is defined as complete physical, mental, social well-being. Physically bhi healthy hai, mentally bhi healthy hai, socially bahut badhiya kaam kar rahe hai, and not merely an absence of disease or infirmity. Aisa nahi hai ki aapko koi bimari nahi hai bachcha. Health ka matlab kya hoga? Aap physically to puri tarah fit ho, mentally bhi fit ho, socially bhi society mein acche se behave kar rahe hai, theek hai? इसी को हम क्या बोलते हैं, हेल्दी पर्सन, नॉट मेयरली एन एब्सेंस ऑफ डिसीज और इन्फॉर्मिटी. नाउ स्टूडेंट्स, अ हेल्दी ह्यूमन बीइंग हैज फॉलोइंग फीचर. हेल्दी ह्यूमन बीइंग की बच्चा, एक क्लियर स्क्रीन होगी, ब्राइट क्लियर आईज होंगी, चमकती हुई आंखें होंगी, बॉडी नीदर टू फैट नॉट टू थिन, ना तो बहुत पतला होगा ना बहुत मोटा होगा. फ्रेश ब्रेथ, कुछ लोगों के पास में आप जब बैठते होंगे या उनसे बातें करते होंगे तो आपको एक ऑर्डर आती होगी, है ना? पर जो लोग बिल्कुल हेल्दी हैं उन, वो हमेशा उनकी जो ब्रेथ होगी वो फ्रेश होगी, ठीक है? गुड एपेटाइट, उनको भूख आराम से और अच्छी भूख लगती होगी, बराबर वो टाइम से सो जाते होंगे, साउंड स्लीप, रेगुलर एक्टिविटी ऑफ ब्लैडर एंड वोवल्स, वो लोग ब्लैडर और वोवल की एक्टिविटीज़ भी बराबर होंगी, इट मीन्स वो पॉटी भी आराम से चले जाते होंगे. बच्चा, अगर ये भी एक प्रॉब्लम वाली बात हो जाती है कि आप रेगुलर बेसिस पे आपको कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, आप पॉटी टाइम से नहीं जा रहे हैं, तो ये भी नहीं होना चाहिए. रेगुलर एक्टिविटी होनी चाहिए ब्लैडर की भी और वॉवल की भी, टॉयलेट भी बराबर जाना है आपको और पॉटी भी बराबर जाना है, आराम से सोना है, अच्छा खाना खाना है. आप हमेशा चेक करते रहें कि जो आपकी ब्रेथ है उसमें कोई ऑर्डर तो नहीं है, कोई बदबू तो नहीं आ रही है, अच्छी बराबर प्रॉपर स्मेल आ रही है, फ्रेश स्मेल आ रही है. कोऑर्डिनेटेड बॉडी मूवमेंट, और आपके बॉडी मूवमेंट भी कैसे हो, कोऑर्डिनेटेड. नाउ स्टूडेंट्स, व्हाट इज डिसीज? डिसीज, अगर हम इसको वर्ड को ब्रेक कर दें या दो वर्ड जिनसे मिलके डिसीज बनाए वो है डिस और ईज. ईज मतलब होता है आराम, डिस जहाँ पर भी लग जाए मतलब वो चीज़ नहीं है. जब आपकी लाइफ में ईज नहीं है, आपकी लाइफ ईजी नहीं है, तो आप किस में हैं बच्चा, डिसीज में, क्या आराम नहीं है आपकी बॉडी को. लिटरली मीन्स नॉट बीइंग इन अ कंफर्टेबल स्टेट. और अगर हम बात करें कंफर्टेबल स्टेट में ना होना ही क्या होता है बच्चा, डिसीज. फिजिकल और फंक्शनल चेंजेस इन द बॉडी फॉर्म अ नॉर्मल स्टेट विच कॉजेस डिसकंफर्ट. अगर कोई फिजिकल चेंज आए बॉडी में, ठीक है, नॉर्मल बॉडी का जो स्ट्रक्चर है, स्टेट है, नॉर्मल बॉडी का जो स्टेट है उसमें कोई भी फिजिकल या फंक्शनल चेंज आएगा जो हमको डिसकंफर्ट देगा, ठीक है, डिसेबिलिटी देगा, उसी को हम क्या बोलेंगे बच्चा, डिसीज़. मैं हूँ ठीक हूँ बढ़िया हूँ, पर शाम से मेरा सर दुखने लग जाए या तो मुझे वॉमिट होने लग जाए, तो मेरे नॉर्मल स्टेट में कुछ चेंज आया, माई हेड इज़ पेनिंग, वॉमिट इज़ देर, तो उस स्टेट को क्या बोलेंगे, डिसीज़, ठीक है. सो स्टूडेंट्स, डिसीज़ यहीं से लर्न कर लें आप मेरे साथ, मैं बोल रही हूँ एक बार बोलें, एनी फिजिकल और फंक्शनल चेंज इन द बॉडी फॉर्म अ नॉर्मल स्टेट विच कॉजेज डिसकम्फर्ट. एक ऐसी स्टेट बना देते हैं जिससे हमारी बॉडी को डिसकम्फर्ट होने लगता है, डिसेबिलिटी होने लगती है, उसी को बच्चा हम क्या बोलते हैं, डिसीज़. सो स्टूडेंट्स,
वेरियस फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग अस डिसीज. वो फैक्टर्स कुछ हम खुद इन्वाइट करते हैं, कुछ अपने आप आ जाते हैं. सपोज आप प्रॉपर हाइजीन मेंटेन कर रहे हैं, प्रॉपर अपने टीथ को ब्रश कर रहे हैं, प्रॉपर बात कर रहे हैं, ठीक है, तो हो सकता है आप अपने आप को बहुत सारे डिसीजेज से बचा लें. पर अगर आप ये सारे काम नहीं करेंगे तो बहुत सारे डिसीज आपके दांत खराब होने लग जाएंगे, बहुत सारी स्किन डिसीजेज आपको हो जाएंगे. तो कुछ डिसीजेज हम इन्वाइट करते हैं, कुछ ऑटोमेटिकली आ जाती हैं. सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट फैक्टर इज लिविंग इन अनहाइजेनिक एनवायरनमेंट. जब आप ऐसे एनवायरनमेंट में रहते हो जहाँ पर आपको क्लीन एयर, क्लीन वाटर नहीं मिल रहा है, मॉस्क्यूटो का ब्रीडिंग ग्राउंड है, इट मीन्स यू ऑल आर इन्वाइटिंग डिसीजेस. ठीक है, अनहाइजेनिक एनवायरनमेंट में आपको नहीं रहना है. अब अनहाइजेनिक का मतलब क्या होता है बेटा? जहाँ पर गंदगी हो, ठीक है, मॉस्क्यूटोज के लिए ब्रीडिंग ग्राउंड हो, फ्रेश एयर ना हो, क्लीनिनेस ना हो, नॉट टेकिंग अ बैलेंस डाइट. हाँ, आजकल बच्चों का ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम बन गया है, किसी को भी बैलेंस डाइट नहीं लेना है. कभी किसी को दाल नहीं खाना है, किसी को चावल नहीं खाना है, मम्मी लौकी नहीं खाना है, मम्मी गिलकी नहीं खाना है, कद्दू नहीं खाना है. तो ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम बन गई है, बिकॉज यू ऑल आर नॉट टेकिंग बैलेंस डाइट. अब बैलेंस डाइट नहीं लोगे तो बॉडी में पहले से कुछ ना कुछ डेफिशिएंसी होगी और वो डेफिशिएंसी डिसीज दे देंगी. हाँ, कंज्यूमिंग टोबैको, एल्कोहल एंड ड्रग्स. आज बहुत छोटी एज से बच्चों को, लोगों को आदत हो जाती है टबैको, एल्कोहल, ड्रग्स, ये भी आपको अल्टीमेटली डिसीज ही देंगे. ये कोई अच्छी चीज़ें तो है नहीं. इन्फेक्शन बाय माइक्रोब्स. डिसीज कॉजिंग एजेंट्स आर देयर इन आर एनवायरनमेंट जो हमको क्या दे देंगे, इन्फेक्शन दे देंगे. बॉडी पार्ट्स और ऑर्गन नॉट फंक्शनिंग नॉर्मली. कई बार कोई बॉडी पार्ट नॉर्मली फंक्शन नहीं करेगा. कुछ टाइम आपको एलर्जिक रिएक्शन हो जाती है ड्यू टू सर्टेन सब्सटेंस. किसी को पनीर से होती है, किसी को मशरूम से होती है, किसी को किसी से भी हो सकती है. तो एलर्जिक रिएक्शन की वजह से भी हम बीमार हो सकते हैं. कई बार हमारा बॉडी पार्ट प्रॉपर काम नहीं करेगा, उस वजह से हमको डिसीजेज आ जाएंगी. माइक्रोब्स तो हैं ही. एक और बहुत अच्छी डेफिनेशन किसकी, डिसीज़ की. डिसीज इज़ अ डिपार्चर फ्रॉम नॉर्मल हेल्थ. नॉर्मल हेल्थ से डिपार्चर थ्रू स्ट्रक्चरल और फंक्शनल डिसऑर्डर. आपकी बॉडी में कोई स्ट्रक्चरल या कोई फंक्शनल डिसऑर्डर आ गया है. ऑर्डर में तो हम अभी हैं, पर अगर कोई स्ट्रक्चरल या फंक्शनल डिसऑर्डर हमारी बॉडी में आ जाए जो कि हमारी नॉर्मल हेल्थ को डिपार्ट कर दे, कहीं भेज दे, उसी को हम क्या बोलते हैं बच्चा, डिसीज़. हम नॉर्मल थे, हैप्पी थे, खुश थे, अभी खुशी हमारी कहीं भेज दी गई, चली गई और हमारी बॉडी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ गई, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल डिसऑर्डर्स आ गए. ठीक है, तो बच्चा डिसीज़ की तीन डेफिनेशन है, इसमें जो भी आपको बेटर लगती है आप उसको लर्न कर लो. ठीक है, कैटेगरीज ऑफ डिसीजेस. देयर आर टू मेजर कैटेगरीज ऑफ डिसीज स्टूडेंट्स. किसी भी मतलब ओवरऑल जितने भी डिसीजेज हैं उनको हमने टू कैटेगरीज में डिवाइड किया है. फर्स्ट कैटेगरी है नॉन कम्युनिकेबल और नॉन इन्फेक्शियस डिसीज. नॉन कम्युनिकेबल और नॉन इन्फेक्शियस डिसीजेज. ये जो डिसीजेज होती हैं बच्चा, दे आर नॉट कॉज बाय एनी जर्म. ये जर्म कॉज नहीं करता है. ठीक है, अगर ये जर्म कॉज नहीं करता है तो ये वन पर्सन टू अनदर ट्रांसफ़र भी नहीं होंगी. ठीक है, दीज डिसीजेज आर नॉट कॉज बाय एनी जर्म, देयरफॉर दीज डिसीजेज कैन नॉट स्प्रेड थ्रू वन पर्सन टू अनदर. ठीक है, दे आर नॉन ट्रांसमिबल. ये ट्रांसफ़र नहीं होती हैं, दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड नॉन ट्रांसमिसिबल डिसीज. नॉन ट्रांसमिसिबल डिसीजेस. ठीक है, दीज आर कॉज्ड ईदर ड्यू टू इम्प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी. ये कैसे कॉज होंगे बेटा? हो सकता है कि आपकी बॉडी प्रॉपर फंक्शन ना कर रही हो, बॉडी का कोई ऑर्गन प्रॉपर फंक्शन ना कर रहा हो. ठीक है, कई बार विटामिन मिनरल्स की डेफिशिएंसी हो. डेफिशिएंसी का मतलब होता है बच्चा कमी. डेफिशिएंसी का मतलब होता है कमी. आपकी बॉडी में किसी मिनरल की, किसी विटामिन की कमी आ गई है. ठीक है, आपकी बॉडी का कोई ऑर्गन काम नहीं कर रहा है. तो ऐसे डिसीजेस को हम क्या बोलेंगे बच्चा? नॉन ट्रांसमिसिबल. नॉन ट्रांसमिसिबल डिसीजेस. ठीक है, नॉन ट्रांसमिसिबल डिसीजेस मीन्स दे आर कॉज्ड बाय ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ मिनरल, विटामिन एंड इम्प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ बॉडी और एनी ऑफ द ऑर्गन. फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन ट्रांसमिसिबल डिसीज रिकेट्स, डायबिटीज, हार्ट डिसीजेस एट्सेट्रा. ठीक है, एट्सेट्रा. कुछ लोग इसको एक्सेट्रा बोलते हैं बच्चा, ये एक्सेट्रा नहीं है, एट्सेट्रा.
Communicable or infectious disease. These diseases are easily spread from one infected person to another. ठीक है, अभी जैसे हम लोगों ने देखा कोरोना के टाइम में कितना परेशान हो गए सब, कि एक पर्सन को अगर कोरोना हो रहा है तो वो कितने लोगों को ट्रांसफर कर रहा है. तो दीज डिसीजेज आर दोज डिसीजेज विच स्प्रेड थ्रू कॉन्टैक्ट और द यूसेज ऑफ द सेम प्रोडक्ट विद द इन्फेक्टेड पर्सन हैज़ यूज. अच्छा, ये डिसीजेज में आपने अगर किसी इन्फेक्टेड पर्सन के किसी थिंग को, किसी भी यूजफुल प्रोडक्ट को भी अगर आपने उसके यूज़ कर लिया तो भी आपको ये डिसीजेज हो जाएंगे. ठीक है, सो स्टूडेंट्स यूजफुल प्रोडक्ट में क्या आएगा, जैसे हैंकी है या आपका कोई कॉमन टॉवल है, कॉमन सोप है, कॉमन कॉम्ब है, तो अगर वो इन्फेक्टेड पर्सन ने यूज़ किया है आप उसको यूज़ करोगे तो आप इन्फेक्टेड हो जाओगे. इनको ये डिसीजेस, कम्युनिकेबल डिसीजेस वाले जर्म्स को हम क्या बोलते हैं बेटा, पैथोजेंस. द जर्म्स विच गिव डिसीजेस आर कॉल्ड पैथोजेंस. ठीक है, दीज जर्म्स आर ट्रांसमिटेड थ्रू वेरियस एजेंसीज. बहुत सारी एजेंसी से ये जर्म ट्रांसफर हो सकते हैं, जैसे कि एयर, इंसेक्ट बाइट, कंटामिनेटेड फूड. कंटामिनेटेड मतलब मिलावट वाला, जिसके अंदर एडल्ट्रेशन हो, आपने कुछ मिक्स किया हो, ख़राब हो. ठीक है, कंटामिनेटेड फूड और वाटर, अगर आपने गंदा पानी पिया है, कंटामिनेटेड वाटर फूड खाया है, कंटामिनेटेड वाटर आपने लिया है किसी इंसेक्ट के बाइट से, एयर से, ये डिसीजेस क्या हो जाती हैं बेटा, ट्रांसमिट हो जाती हैं. अब अगर हम एग्जांपल की बात करें, कोलेरा, वायरल फीवर, चिकन पॉक्स, मलेरिया, दीज आर द डिसीज विच इज ट्रांसमिसिबल. ठीक है, ट्रांसमिसिबल डिसीजेज हैं. नॉन ट्रांसमिसिबल लाइक वी हैव डिस्कस्ड, रिकेट्स, डायबिटीज एट्सेट्रा. नाउ टाइप्स ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिसीज. पहले हमने डिसीजेस को दो कैटेगरी में बांटा, नॉन कम्युनिकेबल और कम्युनिकेबल. अब नॉन कम्युनिकेबल डिसीज को भी आप बहुत सारे पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं. फर्स्ट मेटाबॉलिक, डायबिटीज, किडनी स्टोन, ये किस वजह से होता है बेटा, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ की वजह से. जेनेटिक होगा, हेमोफीलिया. क्या होगा? हेमोफीलिया, हीमोफीलिया एंड टेलेमिसिया, टेलीसीमिया. क्या लिखा है बच्चा ये? टेलीसीमिया. कुछ लोग इसको थैलेसीमिया भी बोलेंगे, बट गूगल पे आप लोग प्रोनाउंसिएशन देखेंगे तो टेलीसीमिया, हीमोफीलिया, दीज बोथ आर जेनेटिक डिसीज. एलर्जीज, हे फीवर, अस्थमा, दीज आर एलर्जीज. डाइट्री डेफिशिएंसी, अब डाइट में आपने किसी विटामिन को नहीं लिया है, किसी मिनरल को नहीं लिया है, तो कौन सी डिसीज होंगी बेटा? बेरी बेरी एंड स्कर्वी. बेरी बेरी एंड स्कर्वी, ये डाइट्री डिसीज है. ठीक है, कैंसर, कैंसर के अंदर बच्चा ब्रेस्ट कैंसर, ल्यूकेमिया, डिजेनरेटिव और एजिंग, एथराइटिस, कैटराइट. जैसे जैसे आपकी एज होती जाएगी आपको एथराइटिस कॉमन है, ये जो फिंगर्स में मम्मियों के बोन्स में पेन होता है. ठीक है, हर जगह जहाँ जॉइंट होता है वहाँ पेन होता है, एथराइटिस, कैटराइट. कैटराइट को हिंदी में बोलते हैं बच्चा मोतियाबिंद. ये सब किसकी किसकी वजह से होती है? आपकी एज की वजह से. डिजेनरेटिव डिसीज है. फिजिकल एंड केमिकल एजेंट्स लाइक डस्ट, सनलाइट, रेडिएशन, पॉइजन, ये भी डिसीजेस का टाइप है. मेंटल इलनेस, डिप्रेशन, ये बहुत कॉमन डिसीज हो गई आजकल बच्चा. ये सिर्फ पुअर को नहीं, रिच को नहीं, मिडिल क्लास को नहीं, इसने हर पर्सन को परेशान करके रखा है. किसने? डिप्रेशन ने. फर्स्ट वी विल डिस्कस डाइट्री डेफिशिएंसी डिसीजेज. व्हाट वी विल डिस्कस बच्चा? डाइट्री डेफिशिएंसी डिसीज. पहले आपने की अगर डाइट में आपने प्रोटीन प्रॉपर नहीं लिया, मतलब प्रोटीन का एक बहुत ही सस्ता और सबसे इजी सोर्स होता है पल्सेस, दाल, जो येलो दाल, पीली दाल, ग्रीन दाल जो हम लोग खाते हैं बच्चा हमारे खाने में, दीज ऑल आर फुल ऑफ प्रोटीन. पर बहुत सारे बच्चों को दाल भी पसंद नहीं होती बच्चा. सबसे इजी सोर्स है, नो डाउट एग इज ऑल्सो देयर, बट पल्सेस, दाल तो सबके घरों में बनती है बच्चा, रोज खाना चाहिए. ठीक है, तो प्रोटीन डेफिशिएंसी डिसीज, अ डाइट लैकिंग इन न्यूट्रिएंट्स सच एज प्रोटीन रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द बॉडी. आपकी बॉडी में अगर कोई सेल
ख़राब हो गया उसको रिपेयर करना है, आपकी बॉडी को ग्रो कराना है, तो आपको क्या चाहिए बच्चा? प्रोटीन चाहिए, ठीक है। पर आपने अगर इस प्रोटीन को प्रॉपर अमाउंट में नहीं लिया है अपनी बॉडी में तो क्या होगा बेटा? डीजनरेशन ऑफ मसल एंड लॉस ऑफ बॉडी। सो स्टूडेंट्स, वन एग्जाम्पल ऑफ प्रोटीन डेफिशिएंसी डिसीज इज क्वाइश्चकर, अनदर डिसीज इज नोन एज मरास्मस। बच्चा अगर आप प्रोटीन का प्रॉपर इंटेक नहीं लेंगे तो आपको टू डिसीजेज होंगी, वन इज क्वाइश्चकर, सेकेंड इज मरास्मस। तो क्वाइश्चकर इज कम्प्लीटली रिलेटेड टू प्रोटीन ओनली, बट मरास्मस इज ऑल्सो कॉज्ड ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट। ओके, सो जस्ट सी दीज टू स्टूडेंट, दीज टू चाइल्ड, दीज आर सफरिंग फ्रॉम मरास्मस एंड क्वाइश्चकर। सो द फर्स्ट बेबी इज सफरिंग फ्रॉम मरास्मस। पहले बच्चे को क्या हुआ है बच्चा? मरास्मस हुआ है, तो देखो कैसे हो जाते हैं। और सेकेंड इज सफरिंग फ्रॉम क्वाइश्चकर। क्वाइश्चकर इज वॉट? प्रोटीन डेफिशिएंसी डिसीज। हियर मरास्मस, डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन, डेफिशिएंसी ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स। नेक्स्ट इज विटामिन डेफिशिएंसी डिसीजेज। विटामिन की कमी से होने वाली जो भी डिसीजेज है वो है क्या है बताएं? स्कर्वी, वेरी वेरी, नाइट ब्लाइंडनेस, दीज ऑल आर डिसीज विच इज कॉज बाय लैक ऑफ विटामिन। अगर आप विटामिन का प्रॉपर इंटेक नहीं लेंगे तो ये डिसीजेज आपको हो जाएंगे। विटामिन इन स्मॉल क्वान्टिटी, स्मॉल अमाउंट आर रिक्वायर्ड इन द बॉडी। बॉडी में क्या चाहिए पड़ती है हमको बेटा? विटामिन की एक स्मॉल क्वान्टिटी। लैक ऑफ एनी विटामिन इन सफिशियंट क्वान्टिटी। अगर किसी भी एक विटामिन को आपने सफिशियंट या डिजायर्ड क्वान्टिटी में नहीं लिया तो आपको विटामिन डेफिशिएंसी डिसीजेज हो जाएंगे। नेक्स्ट इज मिनरल डेफिशिएंसी डिसीज। ह्यूमन बॉडी ऑल्सो रिक्वायर्ड मिनरल सॉल्ट्स। इफ बॉडी डज नॉट हैव सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ एनी मिनरल इट लीड टू डिसीज। बच्चा हमारी बॉडी को कुछ मिनरल की रिक्वायरमेंट भी होती है और अगर आपने वो मिनरल का इनटेक प्रॉपर नहीं लिया तो आपको क्या होंगे बच्चा? मिनरल डेफिशिएंसी डिसीजेज। विटामिन और मिनरल बहुत स्मॉल क्वांटिटी में हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं बच्चा, पर ये स्मॉल क्वांटिटी भी अगर आपने नहीं ली, इसका इंटेक नहीं किया तो प्रॉब्लम में आ जाओगी। सो स्टूडेंट्स, सम कॉमन डेफिशिएंसी डिसीजेज आर नाइट ब्लाइंडनेस, बेरी बेरी, डर्मेटिटिस, स्कर्वी, रिकेट्स एक्सेट्रा। तो अब हम लोग पढ़ेंगे कि कौन सी डिसीज किस पर्टिकुलर विटामिन से एसोसिएट करती है। विटामिन ए से, अगर विटामिन ए का इंटेक आपकी बॉडी में नहीं होगा तो नाइट ब्लाइंडनेस होगी, शाम के बाद दिखना बंद हो जाएगा, आपका कोरोना ड्राई होने लग जाएगा, ड्राइंग इन कोरोना। अब आपको विटामिन का सोर्स चाहिए तो आपको क्या खाना है बच्चा ए के लिए? कैरेट, येलो फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, बटर, फ्रेश मिल्क। आपने अगर बटर, फ्रेश मिल्क, येलो फ्रूट्स, कैरेट खाया है तो आपकी बॉडी में सफिशिएंट विटामिन ए होगा और आपको ऐसी कोई बीमारी नहीं होगी। विटामिन बी से क्या होता है बच्चा? बेरी बेरी। और ये का इसकी विटामिन बी के मेजर सोर्सेस क्या हैं? होल ग्रेन, एग, नट्स, लिग्यूमिनस एंड ईस्ट। देन विटामिन बी थ्री, विटामिन बी थ्री पेलेग्रा, डर्मेटिटिस, और अगर आपको इन सारी डिसीजेस से बढ़नी है, स्किन में इन्फ्लेमेशन होने लगता है, जलन होने लगती है बच्चा, अगर आपको इस डिसीज से बचना है तो आपको क्या चाहिए कि आप क्या प्रॉपर लें? मिल्क, एग, लीवर एंड मीट, ठीक है। विटामिन सी से होने वाली जो डिसीज़ है वो है स्कर्वी। स्कर्वी में क्या होता है? आपके गम्स ब्लीड करने लगते हैं, तो इसके लिए आप सिट्रस फ्रूट खाएं, खट्टे फ्रूट खाएं, टमाटो खाएं, जर्मिनेटिंग सीड्स खाएं, वो आप लोगों की मम्मी बनाती है ना स्प्राउट्स, वो खाएं। विटामिन डी रिकेट्स होता है, ठीक है। बो शेप्ड लिम्स इन चाइल्डहुड, बोन्स टर्न सॉफ्ट, बोन्स हमारी सॉफ्ट हो जाएंगी। अगर आपको इस पर्टिकुलर डिसीज से बचना है तो आपको क्या चाहिए कि आप क्या खाएं? एग, योक, फिश लीवर ऑयल, सनलाइट, मिल्क, ओके। विटामिन सी का, तो विटामिन डी का सबसे अच्छा सोर्स सनलाइट, मिल्क भी है, एग भी है, पर सनलाइट तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी ना बच्चा, ठीक है। चलो अब हम साइंटिफिक नेम की बात करें तो विटामिन ए को आप क्या बोलोगे? रेटिनॉल। क्या बोलोगे बच्चा? रेटिनॉल। विटामिन बी को आप बोलेंगे, विटामिन बी वन को आप बोलेंगे थायमिन। विटामिन बी टू को आप बोलेंगे नाइसिन। विटामिन सी
एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन क्या लिखा है, विटामिन डी, कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल विटामिन डी, उसके बाद जो विटामिन सी है वो है एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन बी थ्री नाइसिन, विटामिन बी वन थायमिन एंड विटामिन ए रेटिनॉल, विटामिन ए रेटिनॉल। अब अच्छा हम लोग पढ़ेंगे मिनरल डेफिशिएंसी डिसीजेस, क्या पढ़ेंगे बच्चा, मिनरल डेफिशिएंसी डिसीजेस। अगर आपने प्रॉपर कैल्शियम इनटेक नहीं किया है, कैल्शियम प्रॉपर क्वांटिटी में आपके फूड में नहीं था, तो आपको क्या होगा, वीक एंड ब्रिटल बोन्स, आपकी बोन वीक हो जाएंगी, आपके टीथ भी प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, और सिंपल आप मिल्क एग ग्रीन वेजिटेबल खाएं, आपको कैल्शियम की कमी कभी नहीं होगी। सोडियम और पोटाशियम की कमी अगर आपकी बॉडी में हो जाए तो आपको डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम होगी, ठीक है, मसल्स में पेन होगा, मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हुए टाइम पेन करेगी। और इसका भी इजी सोर्स है, आप सारे सीजनल फ्रूट्स खाएं, सी फूड खाएं, टेबल सॉल्ट खाएं, उससे प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। आयरन, आयरन की कमी से होता है बच्चा एनीमिया, क्या होता है एनीमिया, और आपको एनीमिया से बचना है तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाएं, बनाना खाएं, सीरियल्स, एग योक, एग का येलो वाला जो पार्ट होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अगर आप एनीमिक हैं तो आप उसको ज़रूर खाएं। हाँ बच्चा, और अगर आयोडीन मिनरल आपकी बॉडी में नहीं है तो आपको होगा गोइटर, गले के पास आप लोग देखते हो ना ऐसे मोटा मोटा गला हो जाता है, गोइटर। सी फूड खाएं, टेबल सॉल्ट खाएं, गोइटर नहीं होगा। स्टूडेंट्स इस लड़की को देखें, ये जो चाइल्ड है इसको बेटा पेलाग्रा हुआ है, पेलाग्रा किसकी कमी से होता है बच्चा, बी थ्री, विटामिन बी थ्री अगर आपने प्रॉपर नहीं लिया है तो आपको क्या होगा, पेलाग्रा, पेलाग्रा को देखो, इस लड़की के गले पे जो आपको निशान दिख रहा है, इसके नेक पे जो निशान दिख रहा है, ये किस क्या है, पेलाग्रा, ठीक है, नेकलेस शेप का आपके नेक पे बन जाता है, ठीक है, पेलाग्रा विटामिन बी थ्री की कमी से होता है। नेक्स्ट इज स्कर्वी, देखो सोलन गम्स हो जाएंगे आपके, गम्स के ऊपर सूजन आ जाएगी, ब्लीडिंग गम्स हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज गोइटर, देखो इस लेडी को एक्यूट गोइटर है, देखो इसके नाक कप वाला पार्ट कितना बाहर आ गया है। नेक्स्ट चाइल्ड सफरिंग फ्रॉम रिकेट्स, अगर जिसको रिकेट होगी, रिकेट का तो सिंपल सा इलाज है बेटा, विटामिन डी का इंटेक अगर प्रॉपर रखोगे तो रिकेट नहीं होगा। देखो यहाँ पर हमारा लेग्स ऐसे होने चाहिए थे, इसके लेग्स कैसे हैं, थोड़े से क्या हो गए, कैसे क्या बोलोगे आप, थोड़े से कर्व ले लिया है लेग्स ने, क्या ले लिया है, कर्व ले लिया है। नेक्स्ट डिप्थेरिया, अब डिप्थेरिया क्या होता है बच्चा, ये चिल्ड्रंस में होता है और थ्रोट को इफेक्ट करता है, टिटनस। इस डिसीज में द जॉ गेट लॉक्ड, जर्म्स एंटर थ्रू ओपन एंड अनक्लीयर कट्स, इसमें क्या होता है बच्चा, जो आपका जॉ है वो लॉक हो जाता है। अब जर्म्स क्या होते हैं, आपका कहीं पर भी अनक्लीट अनकट वूंड्स होगा वहाँ से जर्म्स अंदर जाएंगे, ठीक है। वूंड्स व्हेन एक्सपोज टू सॉइल कैरिंग काउडंग पार्टिकल, अगर आप ऐसी मिट्टी में हाथ डालते हैं बच्चा जिसमें काउडंग पार्टिकल्स हैं, मतलब क्या है बच्चा, गोबर का अगर कोई पार्टिकल उसमें है, और आपके कोई चोट लगी है, आपको कोई वूंड हुआ है, कोई घाव है, और उसके बाद आपने किसी मिट्टी को छू लिया, ठीक है, तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, टिटनेस। टिटनेस में क्या होता है, आपके जॉस लॉक हो जाते हैं। वूफिंग कफ, अब वूफिंग कफ को हम क्या भी बोलते हैं बेटा, पर्टुसिस। अब जो वूफिंग कफ होता है ये स्प्रेड मतलब कम्युनिकेबल डिसीज़ है, ये किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन से किसी भी बच्चे को हो जाएगा, और जब जब वो खांसी करेगा या कफ उसको होगा तो उसमें एक अलग टाइप की आवाज़ आएगी, ठीक है, पिक्यूलर साउंड के साथ उसको होगा ये। नेक्स्ट इज निमोनिया, क्या लिखा है बच्चा, ये निमोनिया, ये किसकी डिसीज़ है बच्चा, लंग्स की डिसीज़ है, एंड कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। निमोनिया लंग्स की डिसीज़ है, और कौन इसको प्रोड्यूस करता है या किससे ये बढ़ती है, बैक्टीरिया से, ठीक है। कोलेरा, इट इज़ ड्यू टू इन्फेक्शन इन इंटेस्टाइन, कोलेरा कब होता है, जब आपकी इस इंटेस्टाइन में कोई इन्फेक्शन हो गया हो, इसके सिम्टम है कि आपको वॉमिट होगी, एंड जो आपको लूज मोशन होंगे वो राइस वाटर कलर के होंगे, ठीक है, जैसे वो चावल को धोते टाइम जो पानी होता है वैसे लूज मोशन आपको होंगे। इट इज़ स्प्रेड थ्रू कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर, और ये कब होती है बच्चा, जब आपने या तो कोई ऐसा फूड खा लिया हो
जो कि कंटेमिनेटेड हो, एडल्ट्रेटेड हो, गंदा हो, या ऐसे कोई पानी पी रहा हो. ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज डिसीजेस कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ. फर्स्ट डिसीज इज मलेरिया. इट इज कॉज बाय प्रोटोजोआ एंड प्लाज्मोडियम. प्रोटोजोआ एंड प्लाज्मोडियम जो ह्यूमन बॉडी में एंटर करता है थ्रू द बाइट ऑफ फीमेल एनोफिलिन. फीमेल एनोफिलिन मॉस्क्यूटो जब हमको काटेगा बच्चा, तब हमको क्या होगा, मलेरिया. इट शोज द सिम्टम्स ऑफ इंटरमिटेंट चिल्स एंड हाई फीवर. बहुत ज़्यादा आपको ठंडी लगेगी, बहुत हाई फीवर होगा. किस डिसीज़ में, मलेरिया में. इसको कौन कॉज करता है, प्रोटोजोआ प्लाज्मोडियम. और कौन इसको फैलाता है, फीमेल एनोफिलिन मॉस्क्यूटो.